एससी वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल 29। लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5 टू एयर। स्केच द वेरिएशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विथ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई फॉर 0 इज लेस देन आई इज लेस देन 90। तो यहाँ पे लाइट, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है फ्रॉम ग्लास टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है हमें म्यू इज इक्वल टू 1.5 और एयर में जा रहा है मतलब म्यू इज इक्वल टू 1। एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और लाइट इंसिडेंट हो रहा है ग्लास टू एयर। तो जब लाइट ग्लास से, ये रे ग्लास में ट्रेवल होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे दूसरे मीडियम में जा रहा है तो सीधा जाने के बजाय वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगा। यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया गया नॉर्मल के साथ और यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इतने एंगल में उसमें डेविएशन आएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि डायग्राम स्केच करो कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम चेंज करते हैं, मतलब 0 से लेकर 90 इनके रेंज में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं तो डेल्टा भी किस तरह से वेरी होगा, ये हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस डेविएशन इनके द्वारा यहाँ पे शो दैट करना है। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग लेना है, तो पहले 0 से स्टार्ट करना है, 90 तक उसे चेंज करना है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रे जो होगा ये इस तरह से यहाँ पे इंसिडेंट होता है, यहाँ पे सपोज इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पर नॉर्मल निकालेंगे तो इन नॉर्मल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यही है नॉर्मल पर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कितना आ गया है 0। इस केस में इसका कोई डेविएशन नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए उतना यहाँ पे आर भी 0 रहेगा, मतलब डेविएट नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे डेल्टा कितना आ गया है, डेविएशन कितना हुआ है 0। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देते हैं, मतलब 0 से इस पॉइंट पर 0 से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया, इट इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, इसे इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन रिफ्रैक्शन होके वो इस तरह से मुड़ेगा, मतलब ये होगा आर और ये होगा डेल्टा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को और भी बढ़ाया, मतलब ये वैल्यू अब 90 से लेस और 0 से ज्यादा होगी। इस केस में इस रे को इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन वो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव होगा, बेंड होगा, मतलब इतना डेल्टा। अब और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाते, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आर भी बढ़ रहा है और ये डेल्टा भी बढ़ रहा है, एक ऐसे करते करते और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ता चला जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये एंगल ऑफ, ये रिफ्रैक्टेड रे पूरा इस सरफेस के अलोंग मूव होगा, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा यहाँ पे इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो होगा आर, ये आर जो होगा इसकी वैल्यू होगी 90, आर की वैल्यू 90 होगी और डेल्टा कितना होगा। तो इससे इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन वो इस तरफ गया, मतलब इतना होगा डेल्टा। चार रेज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा कि डेल्टा यहाँ पे 0 है, इस फिगर में देखेंगे तो इतना थोड़ा सा बढ़ गया है ये डेल्टा और यहाँ पे बढ़ गया है, मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ा रहे, ये डेविएशन भी बढ़ रहा है, अब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 आएगा उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ये होगा क्रिटिकल एंगल। अब हम कंटिन्यूअसली एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे, इसके बाद भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, ये इस तरह से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस और भी बढ़ा रहे, तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे 0 था, बढ़ गया अलोंग सरफेस आ गया, अब कहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टेड मतलब इस मीडियम से बाहर गया तो इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन, अब उसे जगह ही नहीं रिफ्रैक्ट होने के लिए, तो वो इस तरह से मुड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज नाउ ग्रेटर देन दिस। इस केस में क्या हो रहा है, ये इसे इस तरह से जाना चाहिए था लेकिन वो मुड़ गया,
इसी मीडियम के अंदर, मतलब इसे रिफ्रैक्शन नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो डेविएशन आ गया ये बहुत ज्यादा आ गया, यहाँ पे डेविएशन आ गया बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा मतलब क्या, मैक्सिमम डेविएशन होगा। तो इसे चेक कर दिया और भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा के देखते तो ये पूरा इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस कर दिया तो ये इस तरह से होगा, क्योंकि जितना आए उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आर, मतलब इसे इस तरह से बढ़ाया तो ये भी इस तरह से बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये जो उसका सपोज टू बी पाथ था, जिस पाथ से उसे जाना चाहिए था उसकी तरफ जा रहा है, मतलब डेल्टा कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो इसे इस तरह से जाना चाहिए था वो डेल्टा अब कम हो रहा है, डेल्टा अब कम हो रहा है, मतलब यहां तक एंगल के बाद यहाँ पे जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे थे डेल्टा भी बढ़ रहा था, मतलब ये आई और डेल्टा इनका अगर ग्राफ निकालना है तो ये जीरो से स्टार्ट कर दिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया कहाँ तक, क्रिटिकल एंगल तक, तो ये डेल्टा भी बढ़ रहा था। अब ये नहीं बोल सकते कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो तो हमें एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तब उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होगी तभी पता चलेगा स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है या इस तरह से ऐसे बढ़ रहा है या इस तरह से बढ़ रहा है, ये तो एक्चुअल वैल्यू पर ही हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर इतना पता है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे डेल्टा भी उसी तरह से बढ़ रहा है, यहाँ तक पता चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेल्टा सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ तक बढ़ रहा था ये ज्यादा बढ़ गया, अब कम होने वाला है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मतलब इसके बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये थोड़ी भी वैल्यू अगर हम बढ़ाते, मतलब इस आय को थोड़ा सा भी बढ़ा देते तो, मतलब यहाँ पे बढ़ा देते तो डेल्टा यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ता है, डेविएशन बहुत ज्यादा होगा, उसके बाद फिर से कम कम होता चला जाएगा। हमें 90 तक चेक करना है कि क्या होता है, तो यहाँ पे 90 तक, मतलब ये एंगल ये रे पूरा इस तरह से आएगा, तो उस केस में ये भी इसी तरह से, क्योंकि जितना आय उतना आर होना चाहिए, तो आय अगर 90 है तो आर को भी 90 होना चाहिए, मतलब इस तरह से चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर से डेविएशन जीरो हो गया, आय अगर 90 है तो इस आर को भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी 90 होना चाहिए, मतलब ये इस तरह से आ गया तो इस तरह से चला जाएगा, मतलब ये डेल्टा जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई और फिर से जैसे आय चेंज होगा आर को भी चेंज होगा और वो आय बढ़ रहा है लेकिन आर फिर से कम होता चला जाएगा और 90 पर ये आय जब 90 होगा तब ये डेल्टा फिर से जीरो होगा, ये आय फिर से जीरो होगा, तो इस तरह का ये स्केच होगा डेल्टा वर्सेस आय का। ये जो वैल्यू होगी वो क्रिटिकल वैल्यू होगी और क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो जैसे हमें बताया कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और ये म्यू कितना होता है, ये म्यू होता है ये साइन आई यहाँ पे और ये साइन आई बाहर का क्रिटिकल एंगल, बाहर का मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और ये आई क्रिटिकल एंगल होगा और आर कितना होगा 90, आर होगा 90 मतलब 1, तो आई सी की वैल्यू कितनी आ रही, ये म्यू ए एयर की वैल्यू और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मतलब 3 डिवाइड बाय 2 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू साइन आई सी, मतलब ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स 2/3, तो ये एंगल होगा ये वाला साइन इनवर्स 2/एंगल के बाद यहाँ पे इस एंगल के थोड़ा सा भी आगे ज्यादा एक बढ़ाया तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एंगल मिलेगा, ये होगा डेल्टा सबसे ज्यादा।